तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पटेल। हमारी यूट्यूब चैनल MDM टेक विजन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है, जो देख सकते हो यहाँ पे दो डिवाइस में लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ हर जगह आपको छोटा छोटा यहाँ पे लिथियम आयन सेल जब आप यूज करते हो, इसको चार्जिंग करना है तो चार्जिंग करने का छोटा सा मैं यहाँ पे डिवाइस लेके आया हूँ, चार्जिंग मॉड्यूल में लेके आया हूँ। इसके बारे में कनेक्शन के बारे में देखेंगे, आप चार्ज करना चाहते हो चार्जिंग के बारे में हम इसको देखेंगे। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे 3.7 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना हो या आउटपुट में कुछ लेना चाहते हो, तो छोटा सा मॉड्यूल का कनेक्शन करना है। तो छोटा सा मॉड्यूल का कनेक्शन करने के देखेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मोबाइल के जो चार्जिंग पिन होती है, यहाँ पे सी टाइप का यूज किया हुआ था। सी टाइप का आप चार्जिंग मॉड्यूल यूज कर सकते हो। या आपके पास चार्जिंग मॉड्यूल नहीं है तो यहाँ पे पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ साथ साथ यहाँ पे ये IC है 4056 नंबर की, जो IC है प्रोटेक्शन के लिए IC। इसके साथ साथ छोटी छोटी दो IC लगी हुई है, यहाँ पे 6 पिन की IC, इसके साथ साथ 8 पिन की भी IC लगी है। दोनों जब ओवर चार्जिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आउटपुट में जो यहाँ पे बैटरी का सेल लगाते हैं, ऐसे दो सेल आप लगाना चाहते हो दो सेल आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैटरी का प्लस टर्मिनल, बैटरी का माइनस टर्मिनल, इसमें प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल आपको यहाँ पे लगा देना है, ये बैटरी चार्ज करने के लिए। चार्जिंग हो जाते हैं यहाँ पे आउटपुट में कुछ आप मोटर लगाना चाहते हो या कुछ भी यहाँ पे LED ब्लिंकिंग करना चाहते हो, इमरजेंसी LED डिवाइस बनाना चाहते हो तो भी आप इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, चार्जिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आउटपुट में इतना वोल्टेज आप जैसे चार्ज होगा इसके हिसाब से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं कनेक्शन कर देता हूँ, तो यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ इसका प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। यहाँ पे ये हमारा माइनस टर्मिनल है, तो बैटरी का यहाँ पे माइनस टर्मिनल लगा देता हूँ मैं, और प्लस टर्मिनल हमारा, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल यहाँ पे लगेगा, रेड वाला प्लस टर्मिनल है। और यहाँ पे आउटपुट जो प्लस आउटपुट माइनस दो देख रही है, यहाँ पे आउटपुट आप ले सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी LED भी लगी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ जब, तो ये इसको पिन इन करता हूँ जब, या एंड्रॉइड पिन के हमारे पास है सी टाइप की है तो सी टाइप में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो रेड इंडिकेटर हो, देख सकते हो रेड इंडिकेटर हो रही, तो ये हमारी यहाँ पे दो LED लगी, रेड वाली LED हमारी वो जब चार्जिंग हो रहा है बैटरी, तो चार्जिंग के साथ यहाँ पे इंडिकेट दिख रहा है। इसके साथ ये बंद हो, ग्रीन वाली जब होगी, यहाँ पे ग्रीन या ब्लू LED यहाँ पे आती है, जब पूरा और चार्जिंग हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लू वाली एलईडी की बीटी यहाँ पे ब्लिंक होगी, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल पे इसलिए अभी ब्लिंक नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे चार्जिंग में रेड होगी। पूरा तरह से चार्जिंग हो जाएगा हमारा ये बैटरी वाला से, तो यहाँ पे ब्लू LED यहाँ पे इंडिकेट हो गई, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे चार्जिंग हो चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट का वोल्टेज मेजर करते हैं, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीमीटर को मैंने DC रेंज में रख दिया। यहाँ पे ये बैटरी वाला सेल है, तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे देख सकते हो इसका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से बैटरी का आउटपुट देखेंगे। अभी चार्जिंग के टाइम यहाँ पे 4.1 वोल्ट यहाँ पे DC शो कर रहा है, और जब मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल को मैं निकाल देता हूँ चार्जिंग में से, मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको निकालने के बाद हम वोल्टेज मेजर करेंगे। इसको निकाल दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल इस बैटरी का कितना आउटपुट मिल रहा है हमको, तो ये माइनस टर्मिनल और यहाँ पे प्लस टर्मिनल 3.96 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो अच्छी तरह से मल्टीमीटर में आप देख सकते हो। यहाँ पे इसी तरह आउटपुट में आप कुछ भी LED भी लगा सकते हो, मोटर भी लगा सकते हो, और इमरजेंसी लाइट में जो LED होती है वो LED भी आप लगा सकते हो। इसी में यहाँ पे एक पॉइंट ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको देखेंगे जब सप्लाई देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपके पास से कोई पिन निकल जाएगी, ये प्लस टर्मिनल यहाँ से आउटपुट निकल गई बैटरी की ये सेल की, तो आप यहाँ से इसको टच करके भी देख सकते हो, जब टच हो जाएगा तो कनेक्शन हो जाएगा बैटरी का सही, तो यहाँ पे रेड वाली LED ब्लिंक होने लगेगी, यहाँ पे ब्लू वाली LED बंद हो जाएगी। इसे ओपन हो गया तो ये देख सकते हो ये रेड वाली थोड़ी थोड़ी ब्लिंक हो रही है, इसकी इंटेंसिटी प्रकाश की ऊंची, और यहाँ पे ये वाली ब्लू LED हमारी ब्लिंक हो, समझ ले कुछ प्रॉब्लम है, अच्छी तरह कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेड वाली LED अच्छी तरह ब्लिंक हो रही है और ब्लू वाली LED बंद हो चुकी है। तो इसको स्पेसिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज कितना है। तो ये मॉड्यूल
मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा दोस्तों, इजीली मॉड्यूल मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज 4.2 वोल्ट से 5.2 वोल्ट इनपुट वोल्टेज दे सकते हो। इसका आउटपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट से 5 वोल्ट आप ले सकते हो यहाँ से। इसकी करंट कैपेसिटी 1 एम्पियर तक, 1 लोड के साथ 1.2 एम्पियर आप ले सकते हो। तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज देगा, कॉन्स्टेंट करंट देगा, और प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो, मेरा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।